मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व को मानने से इनकार करता हूं। मैं नास्तिक इसलिए नहीं बना कि मैं अभिमानी हूं, पाखंडी हूं या निरर्थक हूं। मैं ना तो किसी का अवतार हूं, ना ही ईश्वर का दूत और ना ही खुद परमात्मा। मैं अपना जीवन एक मकसद के लिए न्योछावर करने जा रहा हूं। इससे बड़ा आश्वासन भला और क्या हो सकता है? ईश्वर में विश्वास रखने वाला एक हिंदू पुनर्जन्म में एक राजा बनने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या एक ईसाई स्वर्ग लोक में भोग विलास पाने की इच्छा कर सकते हैं। उससे अपने कष्ट और कुर्बानियों के लिए पुरस्कृत होने की कामना हो सकती है, लेकिन मुझे क्या आशा करनी चाहिए ये मैं जानता हूं कि जिस वक्त ये रस्सी का फंदा मेरे गले में लटकेगा और मेरे पैरों के नीचे से ये तख्ता हटेगा, वो पल मेरे जीवन का अंतिम क्षण होगा। बिना किसी स्वार्थ के यहां या यहां के बाद, बिना किसी पुरस्कार की इच्छा किए बिना, मैंने अपने जीवन को अनासक्त भाव से आजादी के नाम कर दिया। हमारे पूर्वजों को जरूर कोई सर्वशक्तिमान में आस्था रही होगी, उस विश्वास के सच में या उस परमात्मा के अस्तित्व में। जो कोई भी चुनौती दे दे तो उसे पाखंडी या काफिर कहा जाता। अरे उसके तर्क कितने भी मजबूत क्यों ना, कि उसे झुठलाना नामुमकिन। उसकी आत्मा कितनी भी सशक्त क्यों ना हो, कि उसे ईश्वर का प्रकोप का डर दिखा कर भी झुकाया नहीं जा सकता। उस व्यक्ति को अभिमानी कहकर उसकी निंदा की जाती। मैं घमंड की वजह से नास्तिक नहीं बना। ईश्वर के प्रति मेरे अविश्वास ने मेरी सभी परिस्थितियों को मेरे प्रतिकूल बना दिया है, और ये परिस्थितियां और भी बिगड़ सकती है। जरा सा आध्यात्मिक स्थितियों को काव्यात्मक मोड़ दे सकता है। लेकिन मैं अपने अंत से मिलने के लिए कोई तर्क नहीं देना चाहता। मैं एक यथार्थवादी व्यक्ति हूं। मैंने अपने जीवन के व्यवहार में तर्कशील होकर ही विजय पाना चाह। भले इन कोशिशों में मैं कामयाब नहीं रहा, लेकिन मनुष्य का कर्तव्य है कि वो कोशिश करता रहे, क्योंकि सफलता तो संयोग और हालत पर ही निर्भर करती है। आगे बढ़ते रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वो पुरानी मान्यताओं के सभी सिद्धांतों में दोष ढूंढे। एक एक करके पुरानी मान्यताओं के सच को ढूंढे, उसकी बारीकियों को परखे, समझे, और अगर वो कठोर तर्क वितर्क के बाद कोई सच तर्क तक पहुंचता है तो उसके विश्वास को सराहना चाहिए। हो सकता है उसकी तर्कों को गलत या झूठा कहा जा सकता, पर संभव है कि उसे सही ठहराया जाएगा, क्योंकि तर्क ही तो जीवन का मार्गदर्शक है। लेकिन विश्वास, बल्कि मैं तो यह कहना चाहूंगा कि अंधविश्वास बहुत ही घातक है। वो एक व्यक्ति की सोच समझ की शक्ति को मिटा देता है, उसे सुधार विरोधी बना देता है। खुद को यथार्थवादी कहने वाला हर एक व्यक्ति पुरानी आस्थाओं के सभी सच को चुनौती देनी होगी। यदि आस्था तर्क के प्रहार को सहन न कर पाए तो ये और भी बिखर सकती है। अंग्रेजों का शासन यहां आज इसलिए नहीं है कि ईश्वर ऐसा चाहता है, बल्कि इसलिए कि उनके पास ताकत है और हमें उनका विरोध करने का साहस नहीं है। अंग्रेज आज हमें यहां ईश्वर की मदद से काबू में नहीं रख रहे, बल्कि उनके पास बंदूक है, गोलियां, पुलिस, सेनाएं, और सबसे बड़ी हमारी बेपरवाही।
मेरे एक दोस्त ने मुझसे प्रार्थना करने को कहा। जब मैंने उसे अपने नास्तिक होने की बात बताई तो उसने कहा, भक्तिया जब तुम्हारे आखिरी दिन नजदीक आएंगे ना, तब तू यकीन करने लगेगा। मैंने मेरे दोस्त से कहा, मेरे प्यारे मित्र, इसे मैं अपने लिए अपमानजनक और नैतिक पतन की वजह समझता। मैं कोई स्वार्थ वजह से प्रार्थना कभी नहीं करूंगा। सस्ते।